नमस्कार, शब्द साझी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ, आतिशी मारलेना बनी दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री, तिरुपति मंदिर प्रसाद पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बड़ा बयान, सपा नेत्री ने पति पर किया जानलेवा हमला, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे वायुसेना के अगले प्रमुख, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अधिकारियों को घेरा, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने दिया विवादित बयान, मध्य प्रदेश में भाजपा के बने 50 लाख नए सदस्य, नवरात्रि में आयोजित होगा उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, स्वर्गीय लाल बलदेव सिंह के नाम से जाना जाएगा MCU रीवा का सभागार, और स्वच्छता ही सेवा अभियान में डिप्टी CM ने किया श्रमदान। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही हैं। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और गुरिल्ला युद्ध में ट्रेंड हैं। ये 30-30 लोगों के ग्रुप में हैं और अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। कुलदीप सिंह ने कहा, उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमला कर सकते हैं। आतिशी मारलेना ने शनिवार को दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उन्हें LG विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वे दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गईं। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित CM रह चुकी हैं। बीते दिनों आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद तैयार करते समय बीफ का फैट और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रसाद को लेकर जारी ताज़ा विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रसाद में मिलावट को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है, तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का, उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक जो एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊंगा तो जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे लगा मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूं, ये शायद आप सब भी हैं कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जो जिसको हम ये बहुत अपवित्र, जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में, तो इसको पाप कहा गया है। और ये एक इस पर विचारणीय विषय है, और ये एक जगह से उत्पन्न नहीं होती, ये एक विशेष सर्किल है। जिस किसान की अभी हम बात आपके सामने रख रहे थे, वो सोचता है कि आगरा में सपा नेत्री जूही प्रकाश के खिलाफ पति पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ है। जूही सपा में मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। पति का आरोप है जूही ने झगड़े के दौरान कांच की बोतल से सिर पर वार कर दिया, बोतल पीठ में भी घोंप दी। शाहगंज निवासी जूही प्रकाश के पति ने थाना सिकंदरा में शनिवार को FIR दर्ज करवाई। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह फिलहाल वायुसेना में उप प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
वो 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख का पद संभालेंगे। वो वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसान न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस की तरफदारी करने वाले कलेक्टरों और अधिकारियों को घेरा है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर आप अगर निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिगुल बजाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर एमपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए क्या कहा, आइए जाने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है श्रीमान जी। उमंग सिंघार जी, मुझे याद है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो उमंग सिंघार ने क्या कहा था, क्या इस देश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल कौन है? रामेश्वर जी, दिग्विजय सिंह। सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह कौन बता रहा था? उमंग सिंघार ने, तब ये उस समय कैबिनेट मंत्री थे। और इन्होंने कहा था कि सरकार को पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ है, सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। किस प्रकार से शराब माफिया मध्य प्रदेश का कोई सबसे बड़ा है तो दिग्विजय सिंह है, किसने कहा था? यही उमंग सिंघार ने कहा था। तो इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ये परसेप्शन था। तो आप मुझे बताओ इन्हें क्या दिखाइएगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। तो उनने यही देखा है, दलाली ही देखी है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील ईमानदार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व है। इस प्रकार की चीज कहीं होगी ना तो ये इतनी संवेदनशील सरकार है कि त्वरित कार्रवाई करने वाली सरकार का परसेप्शन है आज। सर उमंग सिंघार ध्यान रखें अपने कार्य व्यवहार में भी, चाहे वीडी शर्मा हो चाहे उमंग सिंघार हो, अगर कोई गड़बड़ी और गलत काम करेंगे तो हम पर भी कार्रवाई होगी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी ने देश की आबादी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, धिक्कारता हूं मैं हिंदुओं को और चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसे ही रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए मेरी इस देश की माताओं से अपील है कि कम से कम चार चार संतान पैदा करें। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी ने ये बयान 20 सितंबर को उज्जैन में भागवत कथा के दौरान दिया। 3 सितंबर से शुरू बीजेपी के सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश ने 50 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। 1 करोड़ सदस्य बनाकर यूपी देश में पहले नंबर पर है। एमपी और गुजरात 50-50 लाख सदस्य बनाकर बराबरी पर हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन के महापर्व में मध्य प्रदेश इतिहास बनाने जा रहा है। और आज मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से हम आज थोड़ी देर पहले 50 लाख से ऊपर सदस्यता क्रॉस कर गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से। 57 लाख के करीब मिस कॉल हुए, 50 लाख से ऊपर फॉर्म भर के जो मेंबरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड बनाया है। और आगामी समय में ये अभियान जो हमारा टारगेट है उस टारगेट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर होगी। आज पिछले 19 और 20 तारीख से कल और आज हमारी महिलाओं ने, माताओं बहनों ने भी रिकॉर्ड बना दिया है। 2 दिन हमारी सदस्यता महिलाओं के महासदस्यता का अभियान था, इससे पहले किसानों का। प्रख्यात संगीतकार उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मैहर में हर वर्ष होने वाला संगीत समारोह
इस बार अक्टूबर में होगा। मैहर गौरव दिवस के ठीक बाद पहली बार ये 3 दिवसीय समारोह नवरात्रि मेले के दौरान 8 से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां स्टेडियम में 8 से 10 अक्टूबर तक रात्रि 8 बजे से आयोजित कार्यक्रम के एक दिन पहले 7 अक्टूबर को स्थानीय कलाकारों के लिए दिन निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग भोपाल द्वारा निर्धारित प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा का सभागार अब विंध्य के पहले पत्रकार स्वर्गीय लाल बलदेव सिंह के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। आपको बता दें कि स्वर्गीय लाल बलदेव सिंह ने विंध्य के प्रथम पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बलदेव सिंह ने मध्य प्रदेश के प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र भारत भ्राता का प्रकाशन किया था। शनिवार 21 सितंबर को शहर के वार्ड क्रमांक 7, 8 और 9 में सेवा पखवाड़ा के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य रूप से सहभागी बने। उन्होंने वार्ड वासियों के साथ स्वच्छता पर अपना श्रमदान किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने क्षेत्र वासियों को प्रेरित करते हुए क्या कहा, आइए जानें। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 17 सितम्बर से मोदी जी के जन्मदिन से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये जो स्वच्छता का अभियान है, ये एक संदेश है आम नागरिकों को कि हमें कचरे को डस्टबिन में ही डालना है। जो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं घर घर से कचरा उठाने के लिए, उनको ही देना है, ना सड़क में फेंकना है और ना नालियों में डालना है। जिससे कि स्वच्छता रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी, और जब अस्पतालों में भीड़ कम होगी तो इलाज की गुणवत्ता, जो व्यवस्थाएँ भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, फिर वो समुचित तरीके से आम नागरिकों की सेवा कर सकेगी। इसलिए हम लोगों ने जड़ पर जाकर और सुधार के काम को हाथ में लिया है, और स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़े में आप देखिए कि सारे लोग एक संदेश दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आम नागरिकों को, कि आप भी इस प्रकार से अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें, और वो जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके, और नगर निगम की जो गाड़ियां आती हैं सवेरे संगीत बजाते हुए कि कचरा हमको दीजिए, उनको हम कचरा सौंपे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसांची से। नमस्कार।